क्या प्राथमिकता रखी है, इसमें कितना स्टाफ की ड्यूटी लगाई है? माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कल राज्य के विभिन्न जिलों में हाईवे पेट्रोलिंग को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। इस परिप्रेक्ष्य में हमारे कांकेर जिले को 2 हाईवे पेट्रोलिंग गाड़ी मिली है, अर्टिगा नई गाड़ी है, और इसमें हम लोगों ने 2 से 3 शिफ्ट में अलग अलग ड्यूटी लगाई है इसमें, और उसमें एक SI इंचार्ज रहेगा, उसके साथ हवलदार रहेगा, 2 सिपाही एटी टाइम रहेंगे, और सभी इनके लिए एरिया डिफाइन किया गया है। जैसे हमारे यहाँ 2 पेट्रोलिंग हाईवे पेट्रोलिंग है, तो एक चरामा जहाँ से हमारी जिले की सीमा रेखा धमतरी से लगती है, वहाँ से लेकर ये नथियानवा के किनारे तक, वहाँ तक उसका जो क्षेत्र है, जो चरामा थाना आता है, वहाँ पर एक पेट्रोलिंग है, वहाँ से लेकर जहाँ कांकेर थाना क्षेत्र है नथियानवा गाँव के इस पार से लेकर यहाँ कलगाँव अपना दादर रोड के नज़दीक तक का ये दूसरा वाहन का एरिया है। तो ये दोनों ही क्षेत्र में लगातार ये वाहन 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध रहेगा। मोबाइल नंबर वहाँ पर लेस है, सर्व सुविधा युक्त तो उसमें ये वाहन को इसमें दिया गया है, और इसमें हर समय ये इसका उद्देश्य ये है कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग में वाहनों के इसमें सुचारू संचालन और सुरक्षित ढंग से और निर्बाध गति से आवागमन संचालित हो, इसके लिए ये वाहन को हाईवे पेट्रोलिंग के नाम से दिया गया है। किसी भी जगह पे गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है तो गाड़ी की रिस्पांस टाइम हम देखेंगे, तत्काल उस जगह पे पहुंचेगा, और इसके साथ ही साथ कंट्रोल रूम को सूचना देगी, सवार को बुलवा कर वहाँ पर घायलों को या अन्य कोई यदि किसी की डेथ होती है तो उसको भी सुरक्षित जगह पर हॉस्पिटल तक भेजने की व्यवस्था करना, और थाना प्रभारी को सूचित करना, वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी देना, ये सभी चीज़ें ये थाना जो इसमें तैनात बल है वो इनकी ड्यूटी रहेगी। और इनके लिए अलग से SOP जारी किया गया है, जो इसके लिए काफ़ी इसमें गाड़ियों में ही है, उसमें क्या इनको करना है क्या नहीं करना है पूरे इसके बारे में डिटेल जानकारी उसमें इनको उसमें उपलब्ध है। साथ ही साथ कल मैंने इनको पूरी तरीके से ब्रीफ भी किया है, आज भी इन सबको बताया कि क्या करना है नहीं करना है, वो सारी चीज़ें आज गाड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग में इनको सुपुर्द किया गया है, और ये पूरा अपनी ड्यूटी को अब अंजाम देंगे। अभी से सर इनकी हेल्पलाइन नंबर गाड़ी के लिए एक तो हमारा कंट्रोल रूम से जुड़ा रहेगा, और गाड़ी में जो सेपरेट नंबर ही दिया गया है, और उसमें जो इंचार्ज है उसका नंबर उसमें डिस्प्ले है, गाड़ी में ही लिखा हुआ है, और वो सिम उस गाड़ी में ही रहेगा, जो भी इंचार्ज रहेगा वो सिम उसी गाड़ी में ही रहेगा, वो सीधे उस गाड़ी से ही कॉन्टेक्ट होगा। सर उस गाड़ी में क्या क्या सुविधाएं हैं उसके अंदर? उसमें सभी चीज़ है, इसमें ब्रेथ एनालाइजर है, इसमें हूटर लगा हुआ है, लाइट लगा हुआ है, LED बटन जो लगता है रात में दिखाने के लिए वो सिर्फ, इसमें फर्स्ट एड बॉक्स है, जितने भी जो रिफ्लेक्टर पहने हुए जैकेट पहनते हैं वो सारी चीज़ें हैं, अग्निशमन सेवाएँ हैं, ये सारी चीज़ें उसमें बहुत चीज़ें इसमें है। इसके अलावा भी और चीज़ें हैं जो उस पूरी गाड़ी में जो ज़रूरी है वो सब चीज़ें उससे देखते हैं। सर ये गाड़ी कितना देर तक सेवा देती रहेगी? 24 घंटे की? 24 घंटे का इसका पूरा है, अलग अलग शिफ्ट वाइज हम ड्यूटी लगा कर रखेंगे, ये गाड़ी 24 घंटा सड़क में ही रोड में ही जनता की सेवा के लिए उपलब्ध रहेगी, और जब कभी भी इसकी ज़रूरत होगी तो वो मौके पर।